हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल कॉड के ऊपर। आज मेरा यहाँ बिश्केक में डे 4 है। अभी कुछ देर पहले मैं नाश्ता करके आया हूँ, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था ताजमहल के नाम से। मैं तलाश में था कि कुछ मुझे पाकिस्तानी नाश्ता मिले, क्योंकि पहले मैं जो यहाँ का ब्रेकफास्ट वगैरह जब पैटीज़ वगैरह या ये काचा पूरी उन्हीं चीज़ों का नाश्ता कर रहा था, तो आज मेरा दिल था कि मैं कुछ पराठा अंडा वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ पाकिस्तानी ट्रेडिशनल खाना खाऊं। तो उन्होंने बड़ा डिस्को माहौल था, लेकिन सर्विस उनकी बहुत स्लो है, काफ़ी मुझे इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी देर से उन्होंने सर्व किया। तो खैर, एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हमने मार्क की हुई है, इंशाल्लाह हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आप काइंडली अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ये मैं देता हूं ना, ये सही है ना? आप मेहमान हैं तो मान लो। हाँ, मेरे साथ जा रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी मेहमान नवाजी है। अभी बिश्केक का टूर था वो इसी तरह मिक्स था, लाइक जो इनकी यंडेक्स टैक्सी है उससे भी। अभी जो है हम जा रहे हैं बस में, फरहाद भाई ये मेरे साथ हैं, ये मुझे लेके जा रहे हैं एक जगह जहाँ मैंने जाना था एक्सप्लोर करने के लिए। चलते चलते हम लोग आगे एक चर्च के पास, यहाँ कुछ इबादत वगैरह भी हो रही है। ये है यहाँ बिश्केक का एक जो मेन सेंट्रल चर्च है वो, क्योंकि यहाँ 17% लोग जो हैं वो क्रिश्चियन भी हैं। हमने परमिशन ली है और अभी हम जाएंगे अंदर, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हुए हम जाएं अंदर और जाके देखें कि ये लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और कितने लोग हैं। Can you tell us about it? What it is? Sorry? What exactly this is? Main temple of Christians here in Bishkek. ये है जी बिश्केक में सऊदी अरेबिया का सफारतखाना, सऊदी एम्बेसी। जी व्यूअर्स, अभी हम लोग आ गए यहाँ, ये अलातू स्क्वायर के नाम से एक बहुत ही फेमस प्लेस है यहाँ बिश्केक सिटी सेंटर के करीब। अभी हम इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, फिर वो आपके साथ भी शेयर करते हैं। ये इनका जो मेन हब है ना सिटी का, ठीक है, ठीक है। इनके कोई भी बड़ा फंक्शन जब होता है किसी को डिकोर करके यहाँ पे वो अरेंज करते हैं। जैसे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक डे था, यहाँ के जो मुकामी बाशिंदे थे वो उस वॉर के अंदर वो मारे गए थे जंग के दौरान, तो उनकी मेमोरियल में ये पूरा एक स्क्वायर सजाया जाता है। अभी इसकी रेनोवेशन भी चल रही है, और उस तरफ मैंने आपको दिखाया था जो अलातू स्टैचू है, ये सारा जो उन्होंने कर्टन्स वगैरह लगाए हुए हैं ये इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको दोबारा से तैयार कर रहे हैं अपने फंक्शन वगैरह के लिए। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये अलातू स्क्वायर के बिल्कुल साथ में हैं, अगर आप इस तरफ से देखें तो पूरा ये एक स्क्वायर बना हुआ है, और ये सारी सोवियत यूनियन के टाइम की बिल्डिंग्स हैं, और बिल्डिंग के ऊपर लिखा भी हुआ है 1945।
पहनी। ये जी अलातू स्क्वायर के साथ ही एक और पार्क है। हेलो हाउ आर यू, कैन यू स्पीक इंग्लिश? ओके हाउ आर यू? यू आर फाइन। व्हाट्स योर गुड नेम? बेगमाई। बेगमाई, नाइस। यू फ्रॉम बिश्केक? Oh. Yes. So what do? You student? Yes. Yes. Which college, which university? College. Kumu. College? Yes. Kumu. Right. What's your name? My name is Sohail. Yeah. Where do you come from? I come from Pakistan. Pakistan? Yes. Как вам Кыргызстан? Yes, good. Good. Yes. Yeah. Kyrgyz people are also good. Yeah. Thank you. Thank you very much. So what is the name of this place? This one. Blokhet. What? Blokhet. Blokhet. Yes. Blokhet. Okay. English के वाले से थोड़ा यहाँ problem है। Even students को भी जो English है ना वो थोड़ी कम आती है। वो भी Google का और Google Translate का writers. Okay. ये कह रहे हैं जी कि वार मोनूमेंट नहीं है, ये राइटर्स हैं सारे। कोई पोइट है, कुछ लिखने वाले हैं। और इस तरफ जो है आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स खेल रहे हैं वॉलीबॉल। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, नाइस मीटिंग यू, बाय। ये जी पाकिस्तानी और किर्गिज मिक्स होके खेल रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। Hello, how are you? How are you? I'm good. Hello. How are you? कैसे हैं? ठीक हैं। जैसे हैं हमारे। अच्छा। बांग्लादेश। अच्छा बांग्लादेश से। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं अभी? रॉयल मेट्रोपॉलिटन के। रॉयल RMU के। हाँ हाँ, नाइस टू मीट यू। ओके, नाइस टू मीट। हेलो। हाय। हाउ आर यू? या, फाइन, गुड। हाँ, व्हाट्स योर गुड नेम? अकबर। Akbar, yeah. Uh-huh, nice name, mashallah. Right now, just chilling. Just chilling, yeah. That I'm just having fun, you know. Ah, yes. So generally, what do you do? Actually, I'm businessman. Businessman. Yeah. So thank you once again. Yeah, no problem. Sam, yes. Have a good day, guys. Yeah. Thank you. Have a nice thank day. You. Thank you. एक monument ये भी है, इसके ऊपर भी कुछ वार्ड जैसा लिखा हुआ है। असल में यहाँ जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर अब उनकी किर्गिज ज़ुबान में ही लिखा हुआ है, उससे आइडिया नहीं होता कि कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है इनके ऊपर। ये जी जो आप जंगला वगैरह देख रहे हैं उसके पीछे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है वाइट वाली, ये यहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। इस पार्क का नाम है पेनिफ्लोआ। ये भी काफ़ी फेमस है। आज मंडे है लेकिन फिर भी काफ़ी क्राउडेड है और काफ़ी इस तरह की राइड्स वगैरह भी हैं यहाँ। हेलो हाउ आर यू? My name is Abdul Salim. Abdul Salim. Uh-huh. Nice name. Nice name. How are you? Konnichiwa. You can go up. Log kafi friendly hai, kafi jo hai na interactive hai. Interact karte hain. Aap aaram se baat kar sakte hain kisi se bhi. ये है जी इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग फ्रॉम फ्रंट साइड। ये आपको फ्लैग्स नज़र आ रहे होंगे और ऊपर भी फ्लैग लगा हुआ है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। अभी हम जो पार्क था वो इसकी बैक साइड पे था, वहाँ उस पार्क की तरफ थे और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। जी व्यूअर्स, अभी हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। ये एक काफ़ी फेमस इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है पापा रोटी के नाम से, और ये हमारा कह सकते हैं कि लंच डिनर इकट्ठा ही है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो सनसेट है वो काफ़ी टाइम के बाद होता है। अभी तकरीबन कह लें कि 8 बज चुके हैं और अभी बिल्कुल डे लाइट बाकी है। हम लोग आ गए हैं ये रेस्टोरेंट के ऊपर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। खाने में क्या क्या ऑप्शन होंगी आपके पास? हमारे पास सारा पाकिस्तानी इंडियन फूड है सर। सही। अनी, आपका नाम काफ़ी सुना था पापा रोटी का, तो मैंने कहा चलें एक दफ़ा ट्राई करके देखना चाहिए ज़रूर।
हाँ जी, खाना हमारा आ गया और नान देख के तो बड़े फ्रेश फ्रेश मज़े के लग रहे हैं और खाना खा के देखते हैं कि कैसा है। आप जो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं वो जानते हैं कि मैं खाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक खाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोई नॉन चीज़ ही खाऊं ताकि वो उसका कोई जो साइड इफेक्ट्स या आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आपके टूर पे असरअंदाज ना हो। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही जो डिश है वो मंगवाई है, चिकन जल फ्रेजी, और टेस्ट अच्छा है। अभी तक जितने भी मैंने पाकिस्तानी खाने ट्राई किए हैं बिश्केक में, उससे ये मुझे अच्छा और ऑथेंटिक इसका टेस्ट लगा है। सारा दिन की हमारी एक्टिविटी के बाद भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो खाना खाते हैं जल्दी से। व्लॉग को हम यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। जी, बिश्केक में ये जो एरिया है ये काफ़ी पॉश एरिया है, आप कह सकते हैं कि वन ऑफ़ द रिचेस्ट एरिया ऑफ बिश्केक। और इसकी खसूसियत ये है कि यहाँ इसकी जितनी भी नेबरहुड्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर टर्किश और रशियन लोग जो है ना वो सेटल्ड हैं। वहाँ एक पार्क है लव पार्क के नाम से, और उसके बीच में ये बड़ी ही प्यारी लेक है जिसकी सराउंडिंग्स पे सारा ये नेबरहुड बना हुआ है, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है पानी में वो बहुत ही प्यारी आती है। आई गेस कैमरे में थोड़ी बहुत नज़र आ रही होगी आपको, और हल्की हल्की बारिश भी चल रही है। इसका नाम भी लव पार्क है और ये मौसम भी ऐसा है जो इस जगह को और भी रोमांटिक कर रहा है। जी व्यूअर्स, आज का डे बहुत बिजी रहा और मैंने बहुत सारी जगह जो है वो कवर की, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो व्लॉग है फुल ऑफ एक्टिविटी होगा ये पूरा डे। इसमें हमने इंटरेक्ट भी किया यहाँ के लोकल लोगों से जितना हम कर सके, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इंग्लिश वगैरह नहीं आती। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी बहुत अच्छी बनी होगी और आपको देख के ये मज़ा आएगा। मैंने खुद बहुत इन्जॉय किया, बहुत एक्साइटिंग था ये मेरे लिए। और मौसम की तो क्या बात करें, कभी गर्मी और कभी अभी आप आज जो फोरकास्ट है वेदर का, और अभी भी इस वक्त भी मैंने चेक किया तो उसमें जो बारिश वगैरह नहीं है, लेकिन हल्की हल्की जो रेन हो रही है। तो आपसे लेते हैं इजाज़त, एक दफ़ा फिर मेरे साथ हैं हसन भाई, आपका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारी जगह बताई भी मुझे, एक्सप्लोर भी की, खाने की प्लेसेस पर भी हम गए। तो मुझे लगता है कि आपके साथ मेरा ये लास्ट व्लॉग है आई गेस, लेकिन हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ज़रूर। आप सऊदी अरेबिया आएँ इंशाल्लाह, जो भी होगा इंशाल्लाह वो हाजिर है आपके लिए। आप भी कुछ ज्यादा टाइम लेके आए हैं, नेक्स्ट टाइम जो है बहुत थोड़े डेज लेके आए हैं। ये मुझे भी फील हुआ कि डेज कम थे, और अगेन दाऊद भाई का भी शुक्रिया, वो आज उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया, कल लगता है बारिश से वो भीग गए तो उनका भी शुक्रिया वंस अगेन। तो हवा तेज़ हो रही है, बारिश भी तेज़ हो रही है, तो आपसे लेते हैं इजाज़त। इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बिश्केक के जितने भी ब्लॉग्स हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।